बॉलीवुड के सुल्तान सलमान खान अपने कमिटमेंट के पक्के हैं। बीते दिनों उन्होंने ऐलान किया था कि वो लॉकडाउन के कारण बेरोजगार हो चुके इंडस्ट्री के सभी मजदूरों का खर्च उठाएंगे। मंगलवार को उन्होंने फेडरेशन की ओर से भेजे गए 16,000 मजदूरों के बैंक अकाउंट में कुल 4,80,00,000 रुपए ट्रांसफर कर दिए हैं। सलमान ने इसके बाद भी आगे मई महीने में 19,000 मजदूरों के अकाउंट में 5,70,00,000 रुपए ट्रांसफर करने का वादा किया है। इस तरह 2 महीनों तक वे मजदूरों का खर्च उठाएंगे और कुल 10,50,00,000 रुपए की मदद करेंगे। करीब 10 दिन पहले सलमान खान फिल्म्स प्रोडक्शन ने फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉयज के जनरल सेक्रेटरी अशोक दुबे से संपर्क कर मजदूरों के अकाउंट नंबर मांगे थे। सोमवार 6 अप्रैल की शाम सलमान को 19,000 मजदूरों का बैंक अकाउंट डिटेल्स दे दिया गया था। सलमान के ऑफिस में जैसे ही वर्कर्स के अकाउंट नंबर पहुंचे, उनकी टीम ने तेजी दिखाते हुए 7 अप्रैल की शाम तक 16,000 मजदूरों के अकाउंट में प्रति मजदूर 3,000 जमा करवा दिए हैं। अशोक दुबे बताते हैं, पिछले 10 दिनों से सलमान खान फिल्म से हम बातचीत कर रहे थे। सलमान खान की टीम ने हमसे वर्कर्स के अकाउंट नंबर मांगे थे। हमने जैसे ही कल 19,000 मजदूरों के अकाउंट नंबर सलमान की टीम को भेजे, उन्होंने आज ही 16,000 मजदूरों के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर दिए हैं। सलमान ने इस महीने प्रति मजदूर 3,000 रुपए 16,000 मजदूरों के अकाउंट में ट्रांसफर किए हैं। दरअसल 3,000 मजदूरों के अकाउंट में इसी महीने की शुरुआत में यशराज फिल्म्स की ओर से मदद राशि जमा कराई गई थी। मजदूरों के बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करने का काम पूरा हो गया है। तमाम मजदूरों ने हमें फोन कर जानकारी भी दी है। सलमान की टीम ने कहा है कि वो अगले महीने यानी मई 2020 में भी पूरे 19,000 मजदूरों के अकाउंट में 3,000 प्रति मजदूर मदद की राशि जमा करेंगे। ऐसे में कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि सलमान खान जब भी कोई कमिटमेंट करते हैं तो उसे पूरा करके ही रहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, नव भारत टाइम्स।